दोस्तों यह सवाल देखते हैं कर्मियों पर आधारित। सेकंड में इसका आंसर इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ना यह राशि करनी प्लस में दिया है, ना माइनस में दिया है, ना अनंत बार दिया है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों, कैसे बनाना है दोस्तों। यह करनी अनंत बार ना लिखी हो, अर्थात करनी की गिनती सीमित ना हो, या सीमित हो तो उपयुक्त प्रकार से हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 2 का घात 2 में इतनी बार गुणा करो जितनी बार करनी पर दिया गया हो, और -1 कर दो और बटे में 2 का घात 2 को उतनी ही बार गुणा करो जितनी घात ये संख्या दिया गया हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आसान ट्रिक बता देता हूँ, 2 के घात 2 का ऐसा गुणा करना है जितनी बार संख्या करनी में दिया गया हो। तो यहाँ कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 बार दिया गया। तो दोस्तों 2 के घात 3 कर दो और -1 बस करना है दोस्तों, और नीचे में जस का तस इसी को लिख देना है दोस्तों। तो जैसे कि 5 के लिए दी गया था, हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 के घात 3, 2 का 3 बार गुणा करना है। तो 2 का 3 बार गुणा कर दिया दोस्तों, -1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और -1। यहाँ x के पावर ले लेते हैं दोस्तों, हमेशा x है, यहाँ हमारा 5 है दोस्तों, हम 5 ले लेंगे वहाँ पर। तो हमारा आंसर 5 के घात कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 में -1 करेंगे 7/8 हमारा आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। अगर ये वाला सवाल आपको समझ नहीं आया होगा तो सेकंड वाला सवाल में देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर ऐसा सवाल दिया गया है, कुछ नहीं करना है, जहाँ x पावर है यहाँ घात लगा देना। जैसे यहाँ पर हमारा 6 दिया गया है, कितनी बार दिया गया, 1 2 3 4, 4 बार दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर लगा देंगे 2 के घात 4 -1 और 2 के घात 4, 2 के घात 2 बार उतनी ही बार गुणा करो जितनी बार संख्या में करनी में दिया गया हो। तो हमारा मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का घात 4 बार गुणा करेंगे और उसमें 1 घटा देंगे दोस्तों, और जस का तस तो वही वाला लिखे, 2 का घात 4 नीचे में ही रहेगा दोस्तों। तो ऐसा गुणा करें कि 4 बार आ जाएगा, 2 का घात 4 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 में 15, 16 में 1 घटा दोगे तो 16 यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 15/16। तो हमारा आंसर इस घात लगा देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 घात 15/16। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। अंडर रूट 11 दिया गया है दोस्तों, इतना बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इससे आसान तरीका और बताता हूँ। जैसे कि 2 के 2 का घात लिख लो, 2 लिख लो, और 2 का घात कैसे लिखना है, 3 बार दिया गया है दोस्तों, 1 2 3, बस कुछ नहीं करना है, 2 का घात 3 और -1 कर दो दोस्तों। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना बार आ जाएगा दोस्तों, 2 का 3 गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 1 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा दोस्तों। तो 7/8, 1 अधिक इधर लिख लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा तो 11/7/8 हो जाएगा दोस्तों। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारे यहाँ पर 11 वाला दिया गया है दोस्तों, तो अंडर रूट 11 दिए गए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 का उतनी बार गुणा करना है जितनी बार करनियों पर मान दिया गया हो। तो करनी पर मान कितना दिया गया है, 1 2 3 बार दिया गया है दोस्तों। तो 11 के घात 2 का 3 बार में उतनी ही बार गुणा करो जितनी बार दिया गया है, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों, 2 का 3 बार 3 के घात गुणा करेंगे और -1 कर देंगे दोस्तों, और 2 के घात 3 नीचे में लिख देंगे। तो उसका आंसर और क्या आ जाएगा, 2 का घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 1 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा दोस्तों, और नीचे का 8 ही रहेगा दोस्तों, 1 अधिक लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, 7/8। दोस्तों अगर समझ नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ हमें अंडर रूट थ्री ऐसा दिया रहता दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बस 2 के घात 2 को उतनी ही बार गुणा करो जितनी बार करनी पर मान दिया गया हो। तो करनी पर कितना मान दिया गया, 1 2 3 4, 2 के घात 4 बार गुणा करना है और -1 करना है, जस का तस नीचे में इसको लिखना है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 2 के घात 4 करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा दोस्तों, 16
और माइनस वन कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा यहाँ, और इस 2 के घात 4 मतलब 16, एक अधिक कर देंगे दोस्तों तो हमारा 3 के घात 15/16 हो जाएगा। अगर यह समझ में ना आएगा तो एक और बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि अंडर रूट टू दिया गया है दोस्तों, तो हम इसका मान कैसे लेंगे, 2 का घात 2 बार उतनी बार गुणा करना है जितने बार करनी दिया गया हो, तो 3 बार करनी दिया गया है दोस्तों, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा दोस्तों, और 8 के जस का तस करके 7/8 2 के घात 7/8 आ जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिए दोस्तों, ताकि जल्द से जल्द नया अपलोड वीडियो कर सकूं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्गमूल निकालना, कर्णियों पर वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, जैसे √11 + √21 + √16 मतलब इसको घात में क्या ऐसे वर्ग तोड़ना है जिसमें ये 16 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ऐसे 21 का कितना हो जाएगा दोस्तों तोड़ना है हमें, तो देखिए दोस्तों √11 + √21 + √ कितना गया दोस्तों 16, 16 का वर्ग निकालेंगे तो इसका क्या जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 4 आ जाएगा दोस्तों, तो 4 यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा दोस्तों, तो √11 + √25 ये तोड़ेंगे दोस्तों, इसको जोड़ दिए तो इतना हो जाएगा, फिर √11 + 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों, फिर इसको जोड़ देंगे 11 5 16 हो जाएगा, √16 का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड वाला बनाते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों, जैसे 36 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, तो देखिए दोस्तों 76 + √21 + √10 अगर इसका वर्गमूल में तोड़ते हैं दोस्तों तो इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो +6 हो गया दोस्तों, तो फिर यहाँ से बनाएंगे दोस्तों √76 + √21 + √ अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा √76 + √21 + इसका वर्गमूल क्या होगा 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, यहाँ से √76 + √25 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से फिर आंसर हमारा निकल जाएगा √76 + 25 का हमारा 5 हो जाएगा, तो 76 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, देखिए दोस्तों √81 तो 81 किसका वर्गमूल है 9 का मूल है, तो ये आंसर हमारा निकल जाएगा दोस्तों। इस टाइप के सवाल अक्सर देखने को मिला है एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। कहीं ऐसा संख्या में माइनस वाला भी दे दिया रहता है दोस्तों, तो माइनस वाला भी आ गया, हम माइनस वाला बताएंगे दोस्तों, तो पहले प्लस वाला बना लेते हैं, प्लस और माइनस भी दिया रहता है, तो कर्णियों पर आधारित सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर √54 - √19 + √33 + यहाँ 9 दिया गया दोस्तों, तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर इसका हो जाएगा 33 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल हमारा 6 है दोस्तों, तो √ ये - √19 + इन दोनों को जोड़ेंगे तो √36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो दोस्तों यही देखते हैं, ये −√19 + 6 15 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा हमारा, √54 - √19 + इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 में 36 का 6 19 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर 25 हो गया है दोस्तों, इसको जोड़े 19 में 6 जोड़ेंगे 25 का क्या आ जाएगा वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो √54 - 5 अब 54 में 5 को घटाएंगे दोस्तों, 54 में 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 49 √49 तो वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन और बना लेते हैं,
जैसे अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 16 दिया गया दोस्तों, तो इसका वर्गमूल हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहीं से बना लेते हैं, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 20 माइनस 16 किया 4 हो जाएगा, यहाँ 4 घटा लेते हैं दोस्तों, तो 20 में 4 घटाएंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 16। अब 16 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 29 माइनस इसका हमारा 4 हो गया दोस्तों, तो 29 में 4 घटाएंगे फिर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। तो अंडर रूट 30 में माइनस 25 का हमारा वर्गमूल 5 हो जाएगा। फिर यहीं से देखते हैं दोस्तों, अंडर रूट 30 माइनस 5 वर्गमूल इसका 5 हो गया। अब 30 में 5 घटाएंगे तो हमारा 25 हो जाएगा फिर दोस्तों, तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल हमारा 5 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा 5 आएगा। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, तो जल्द से जल्द शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो का PDF या इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल जो भी हो, सबका लिंक दे दिया हूँ दोस्तों।